नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। सैच टेक चैनल में आपको स्वागत। आज देख रहे हो Redmi 5 का अनबॉक्सिंग, चलिए देखेंगे। अनबॉक्स से पहले कुछ चीज बताना चाहता हूँ। ये Redmi 5 फोन चाइना से इंपोर्ट किया है और ये फोन अगले महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। मेरे पास है 2GB रैम, 16GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट है और फोन का कलर है गोल्ड। बॉक्स के अंदर पहले आपको मिलता है प्रोटेक्टिव कवर, Xiaomi इस बार बॉक्स के अंदर दे रही है। बाद में मिलता है फोन। फोन तो काफी सुंदर है, एल्यूमिनियम से बना है। एक Xiaomi का पहली 18:9 रेशियो डिस्प्ले स्मार्टफोन है। 18:9 रेशियो डिस्प्ले आप सैमसंग और एलजी फोन्स में देखा होगा, मतलब ज्यादा स्क्रीन कम बेजल्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है बॉक्स के अंदर। स्टैंडर्ड माइक्रो यूएसबी 2.0 केबल, यूएसबी टाइप सी नहीं है, चाइनीज वॉल अडैप्टर। आप चिंता मत करो, जब ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा आपको इंडियन वॉल अडैप्टर मिलेगा। लास्ट में सिम इजेक्टर पिन। Redmi 5 में है 5.7 इंच HD प्लस IPS डिस्प्ले, ऑक्टोकोर वाला स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट, 2 और 3GB रैम, 12 और 5 मेगापिक्सल कैमरास, फ्रंट LED फ्लैश भी मिलता है और 3300 mAh नॉन रिमूवेबल बैटरी है। और Redmi 5 Plus में 6 इंच फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, ऑक्टोकोर वाला स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट, 4GB रैम, 12 और 5 मेगापिक्सल कैमरास और फ्रंट LED फ्लैश और 4000 mAh नॉन रिमूवेबल बैटरी। और ये फोन्स ब्लू, पिंक और ब्लैक में भी मिलता है। आगे फ्रंट LED फ्लैश, सेंसर, स्पीकर और 5 मेगापिक्सल कैमरा, इसमें 1080p वीडियो शूट कर सकते हैं। पीछे है 12 मेगापिक्सल कैमरा, नीचे जो है वो सिंगल LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर और नीचे MI ब्रांडिंग। ऊपर आपको मिलता है इंफ्रारेड पोर्ट, इसमें आप टीवी, AC इंफ्रारेड से कंट्रोल कर सकते हैं। बाजू में माइक्रोफोन और 3.5mm ऑडियो जैक। नीचे है माइक्रोफोन, चार्जिंग स्लॉट और लाउडस्पीकर। लेफ्ट में मिलता है आपको सिम स्लॉट, आप दो सिम कार्ड्स या तो एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड उपयोग कर सकते हैं। राइट में मिलता है वॉल्यूम कंट्रोलर्स और अनलॉक बटन। फ्रंट में है बड़ा 5.7 इंच HD IPS डिस्प्ले और डिस्प्ले बचाने के लिए गोरिल्ला ग्लास भी है। इसकी वेट है 157 ग्राम्स, 7.7 mm थिकनेस और 3300 mAh बैटरी अंदर है। फोन का बॉडी एल्यूमिनियम से बना है और फोन पतला भी है। ओवरऑल आप देखा तो सुंदर लगेगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं सिमेट्रिकल डिजाइन इस फोन में मिलता है। लेकिन एक चीज मुझे पसंद नहीं आया, ये कैमरा बम्प जो दिया है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप ये फोन टेबल के ऊपर रखा या पॉकेट के अंदर रखा, आपको थोड़ा रफ फीलिंग मिलता है। फोन के अंदर है ऑक्टोकोर वाला स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट और एड्रेनो 5 6 GPU।
अगर आप बेंचमार्क के बारे में जानना चाहते हैं तो ये फोन एंटीटू टेस्ट में 56,459 स्कोर किया है। फोन की परफॉर्मेंस बारे में बात किया तो आप बड़े बड़े गेम्स और एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होगा। फोन के अंदर जो चल रहा है वो नया MIUI 9 में बहुत सारे नया फीचर Xiaomi ने ऐड किया है और Android 7.1.2 Nougat में चल रहा है और Android 8.0 अपडेट फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकता है। किसी भी एप्स इंस्टॉल करने से पहले आपको मिलता है 8.3GB इंटरनल स्टोरेज और 850MB ऑफ रैम। चलो कैमरा के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें। यूजर इंटरफेस तो पिछले Xiaomi फोन्स जैसा है और इसमें पैनोरामा, मैनुअल, सीन और काफी कैमरा मोड्स भी मिलता है। ये फोटोज रेयर 12 मेगापिक्सल कैमरा से खींचा हुआ है। ये फोटोज फ्रंट 5 मेगापिक्सल कैमरा से खींचा हुआ है। तो दोस्तों इस फोन के बारे में आपको कैसा लगा? फोन के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इतना है, मैं हूँ सतीश और धन्यवाद देखने के लिए।